ओम श्री गणशाय नमो मित्रों श्री शिवाय नमस्तोपिया एक बार फिर से आप सभी का आप बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक ताजे वीडियो में यह वीडियो कड़े राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आपके जीवन में कई ऐसी बड़ी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि बहुत ही आवश्यक होने वाली है क्योंकि आपको बताएंगे कि आने वाला चार दिनों का दिन कैसा होने वाला है जो कि छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस और उनतीस अप्रैल तक का समय रहेगा जो कि बहुत ही सारी आपके जीवन में है भी आपको प्राप्त तो होने वाली परंतु आपको, तो आपको समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा मिलेगा करने के मौके प्राप्त तो होने वाले हैं आपको बताएंगे आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहने वाला है कौन सा वह कार्य क्षेत्रों में लाभ हो सकते हैं कौन से महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतनी आवश्यक हो सकती है आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि रोजाना राशिफल आपको समय संभल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर आप बना सकें माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर दें तो दोस्तों समय आपके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान को कायम कर रहा है हर एक चीज को लेकर विकसित करना हो सकता है आपकी चंद्र राशि में शुक्र दोपहरी भाव में महजूद होने वाले हैं इसके परिणाम स्वरूप आप सभी को इस दौरान मन अपने दोस्तों और गरीबियों के साथ अपने मन सुंदर स्थल की यात्रा पर जाने का कर सकता है जी हाँ मित्रों सुंदर स्थल की यात्रा पर जाने का कर सकता है और आपको कहेंगे आपके जीवन में काफ़ी बड़े चीज़ों को लेकर भी आप लोगों को ज़्यादा खाने से बचना होगा यानी यथा पेट खराब हो सकता है इस दौरान कई माध्यमों से लगातार धन का लाभ प्राप्त होता रहेगा ऐसे में आने वाला यह चार दिनों की शुरुआत में ही आप सभी को अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है जी मित मित्रों क्योंकि आशा करके ही आप काफ़ी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ उसे संजय करने में सफल हो सकते हैं यदि आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो उस समय आपको इस दौरान मनचाही परिणाम भी मिलने वाले हैं इसके अलावा यदि आपको हाल भी परिवार के साथ मिलकर कोई भी बिजनेस को स्टार्ट किया है तो एक बार फिर से वह सारा निवेश आपको करने से बचना चाहिए और धीरे धीरे करके ही सही सोच समझ कर ही निवेश को करने की जरूरत होगी क्योंकि इनसे आप सभी को जीवन में घर के लोगों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की और, और उनकी मदद से सही निर्णय को लेने में सफलता मिल सकती है आपके गेरड के लिहाज से आपके लिए शुभ साबित होगा क्योंकि इस दौरान इस राशि के जातक को किसी भी विदेशी यात्रा पर जाने के कई शुभ मौके मिल सकते हैं आप उसे कुछ नया सीखते हुए अपने विकास के लिए कई अनुचित श्रोत को स्थापित कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को इस दौरान आपके मनसाहे परिणाम पाने के लिए अपनों से बड़े और शिक्षकों की मदद लेने होंगे इस बात को समझें यदि आप अकेले ही हर विषयों को समझने का प्रयास करते रहेंगे तो इस पर आपको जरूरत से ज़्यादा ऊर्जा और समय के व्यतीत करना हो सकता है आपके लिए बातर यही होगा कि पढ़ाई को करते समय पड़ो की मदद लें उपाय रोजाना ओम दुर्गाह नमह का जाप करना का बार बहुत बढ़िया होगा आपके चंद्र राशि में अनुसार शुक्र पहले भाव में मौजूद होंगे आप इस दौरान प्रियतम के साथ किसी भी दूर की यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं परंतु इस दौरान आपको जगह पर चयन कर अकेले ही अपनी इच्छा के अनुसार करने की जगह आपको इस बारे में की राय को जानने की जरूरत होगी। अन्यथा संभव हो चुका है कि आप जो भी चयन का चयन करेंगे वह प्रेमी आपको ज़्यादा पसंद ना आए इसलिए आपको ऐसे किसी भी प्रकार की आशंका से बचने के लिए पहले से ही अपनी आपको सदगढ़ता बरतना लंबे समय तक आप सभी को लाभ देने वाला है आपके लिए खूबसूरत रूबानी यह समय होने वाला है इस दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ आप कुछ खुद कर गुजरने के लिए तत्पर या नजर आएंगे सेहत को लेकर थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए आपने साथ साथ जीवन साथी के सेहत के लिए बरती जरा सी लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें आपका लिए दुन सु कार्य होने वाला है ज्यामा बिंद्रवास ने जयामालत में आपकी कामना मनोकामना